हेलो दोस्तों, माय स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोगों से सवाल पूछा था, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा महात्मा गांधी जी ने, और इस सवाल का सही जवाब दिया है मनीषा निषाद, जयश्री कुलकर्णी, सरिता मिश्रा, सुनीता मिश्रा, सुईट कुंजन, आदर्श मिश्रा, सौरभ बुद्ध, इंडियन स्टूडेंट फ्यूचर और जिज्जी। इन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया है। पहला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सही जवाब देगा चीन। सवाल में तो धातुओं का राजा किसे कहते हैं? सही जवाब देगा सोना। सवाल नंबर 3, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब देगा बांग्लादेश का। सवाल नंबर 4, मिनी पंजाब किसे कहते हैं? सही जवाब देगा कनाडा को। सवाल नंबर 5, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? सही जवाब देगा राष्ट्रपति। सवाल नंबर 6, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? सही जवाब देगा मेघालय में। सवाल नंबर 7, भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? सही जवाब देगा कोलकाता को। सवाल नंबर 8, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब देगा विज्ञान के क्षेत्र में। सवाल नंबर 9, टाइपराइटर का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही जवाब देगा इटली में। सवाल नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब देगा 5 जून को। सवाल नंबर 11, सबसे पहले नोटबंदी कहाँ हुई थी? आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब अगर आप लोग सही कमेंट के बताएंगे तो आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। सही जवाब देगा घाना में। सवाल नंबर 12, नील आंदोलन कहाँ हुआ था? सही जवाब देगा बंगाल में। सवाल नंबर 13, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सही जवाब देगा गुजरात राज्य की। सवाल नंबर 14, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सही जवाब देगा सासाराम में। सवाल नंबर 15, घड़ी का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही जवाब देगा भारत में। सवाल नंबर 16, उजला सोना किसे कहते हैं?
सही जवाब रहेगा कपास को। सवाल में सतह पृथ्वी पर कुल कितने महासागर स्थित हैं? सही जवाब रहेगा 5। सवाल नंबर 18, जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा बीकानेर में। सवाल नंबर 19, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सही जवाब रहेगा रविवार। सवाल नंबर 20, पानी से भी सस्ता पेट्रोल कहाँ है? सही जवाब रहेगा कुवैत में। सवाल नंबर 21, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा बेंगलुरु में। सवाल नंबर 22, नहरों का देश किसे कहते हैं? सही जवाब रहेगा पाकिस्तान को। सवाल नंबर 23, सिनेमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना, जो भी सही जवाब रहेगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। सवाल नंबर 24, कोलगेट किस देश की कंपनी है? सही जवाब रहेगा अमेरिका की। सवाल नंबर 25, जीव विज्ञान का जनक कौन था? सही जवाब रहेगा अरस्तु। सवाल नंबर 26, गरीबों का सेब किसे कहते हैं? सही जवाब रहेगा बेर को। सवाल नंबर 27, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब रहेगा साइट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। सवाल नंबर 28, सफेद झंडा किसका प्रतीक है? आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा आत्मसमर्पण का। सवाल नंबर 29, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सही जवाब सोयाबीन। सवाल नंबर 30, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही जवाब सुभाष चंद्र बोस ने। सवाल नंबर 31, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? सही जवाब राजस्थान में। सवाल नंबर 32, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे लड़के रोज और लड़कियां साल में एक ही बार पहनती हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आप में से जिसको भी पता हो जवाब तो अपना जवाब जरूर कमेंट करके बताएं। सही जवाब जनेऊ। जनेऊ एक मोटा सफ़ेद रंग का धागा होता है जिसे लड़कियां व्रत सावित्री के व्रत में ही पहनती हैं और लड़के जो है रोज पहनते हैं। सवाल नंबर 33, परमाणु की खोज किसने की थी?
सही जवाब देगा रदरफोर्ड ने। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।